कांग्रेस के नेता हम लोग के साथ नहीं गए, वो हम लोग के दल में आ गए। अच्छा, वो आ गए। हाँ, उन्हें सर अब राव जी हम लोग के दल से मनिका से चुनाव लड़ेंगे। नहीं, अभी बदलाव नहीं हुआ है। मैं तो बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ, आया राम गया राम के बिल्कुल खिलाफ। कांग्रेस के नेता हम लोग के साथ नहीं गए, वो हम लोग के दल में आ गए। अच्छा, वो आ गए। हाँ, उन्हें सर अब राव जी हम लोग के दल से मनिका से चुनाव लड़ेंगे। अच्छा जी, विधिवत अभी मनिका में जा करके एक बड़ी रैली करके अपना घोषणा करेंगे। कांग्रेस जितना 14 सीट, जिन 14 सीटों के लिए आप मांग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनमें अधिकांश सीटों पर कांग्रेस की भी मांग है। नहीं नहीं, वैसा कोई बात नहीं है। कांग्रेस से बहुत कम सीट पर टकराव हम लोग का है। अच्छा, इसीलिए हम लोग लग रहा है कि महागठबंधन एकदम ठीक ठाक और तालमेल से चल रहा है। जहाँ जहाँ मेरा मजबूत आधार है, उसी सीट का जहाँ हम लोग 2 बार 3 बार जीते हैं, उसी सीटों को हम लोगों ने मांग किया है। अच्छा। और मांग किया है तो निश्चित तौर पे सब लोग उस पर, जिस दिन महागठबंधन की बैठक होगा उस दिन उसको भी विचार में लाया जाएगा। बाबूलाल मरांडी को कैसे मनाएंगे, वो तो आपसे अलग अलग चल रहे हैं। देखिए, बाबूलाल जी भी का भी इच्छा यही है। बाबूलाल जी थोड़े हैं कि बीजेपी की सरकार बने। नहीं नहीं, लेकिन उनकी भी मंशा एक ही है कि सरकार को खार फेंकना है, और उनकी भी मजबूरी है कि महागठबंधन के साथ आना, क्योंकि वो भी बोल चुके हैं कि हमको महागठबंधन से भी परहेज नहीं है। इसीलिए फिर भी वो अलग से शक्ति प्रदर्शन शो कर रहे हैं। नहीं, शक्ति प्रदर्शन तो सब लोग कर रहे हैं। जेएमएम भी अलग से शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, हम लोग भी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जो स्थिति है कि जब सब लोग शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, इसीलिए ना कि सरकार को खार फेंकना है। तो मतलब जेवीएम भी आपके साथ है? हाँ, निश्चित। उनका वक्तव्य आया है कि हम लोग महागठबंधन भी हमको परहेज नहीं है। ठीक है, तो ठीक है। थोड़ी सी जानकारी के लिए आपको बता दूं, मैं झारखंड विधानसभा कवर कर रही है सिटी पोस्ट। इस दौरान क्या उठा पटक चल रहे वो हम सब आपको बताना चाह रहे हैं। मुंडेसर उराव पहले कांग्रेस में, अब आरजेडी में, सबसे पहले ये चुनाव क्यों, ये बदलाव क्यों? नहीं, अभी बदलाव नहीं हुआ है। अच्छा। चूँकि हम लोग यूपी फोल्डर का आदमी हैं, ठीक है, और खुद का मैं लातेहार जिला का कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूँ, और लालू यादव गरीब गुरबा दबे कुचले शोषित पीढ़ियों का मसीहा हैं, और उनका स्वास्थ्य का हम लोग मतलब ये देखने हम आए थे। आप आरजेडी में शामिल हुए हैं? नहीं, अभी नहीं हुए। अच्छा, जानकारी मिल रही थी आप आरजेडी में शामिल? नहीं, देखिए लोग ये हो, चूँकि यूपीए फोल्डर का वो नेता हैं, और हम लोग ताकत के साथ यूपीए फोल्डर को हम लोग ताकत मजबूत के साथ चुनाव लड़ेंगे। ठीक है। और बीजेपी सर, लालू यादव से भेंट हुई, क्या बातचीत? यही बात हुआ, सबसे पहले तो उनको नवरात्रा का हम लोग शुभकामनाएं दिया और स्वास्थ्य का जानकारी दिया, और राजनीतिक हालात में ये कहा गया कि हम लोग ताकत के साथ मिलकर लड़ें और बीजेपी को हम लोग हरावें। ठीक है, ये तो आप फॉर्मल बातें कर दिए, इनफॉर्मल बातें क्या हुई है सर? कोई इनफॉर्मल बातें नहीं, हम लोग खुला किताब हैं। लालू यादव हम लोग का हर समय यूपीए फोल्डर। क्या हम आगे मुनेश्वर उराव को राजद के साथ देख रहे हैं या कांग्रेस के साथ? नहीं, अभी वैसा कोई बात नहीं है। अभी वैसा कांग्रेस के साथ बने? हाँ, अभी कांग्रेस का हम जिलाध्यक्ष हैं और अभी रहेंगे जिलाध्यक्ष। ठीक है, तो इतनी ही बातचीत, बस इतनी। ये मुनेश्वर उराव थे, लातेहार कांग्रेस के जिलाध्यक्ष थे। सर, अभी अभी हम रिम्स से लौट रहे हैं, वहाँ पे राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं अभय सिंह, उन्होंने कहा कांग्रेस के मुनेश्वर उराव के बारे में, जो लातेहार के जिलाध्यक्ष हैं, कि वो आ गए हैं कांग्रेस में, राजद में, लेकिन उन्होंने ऑन कैमरा कहा हम अभी भी कांग्रेस में। इस स्थिति में आपकी राय बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, जहाँ तक सवाल है, इनकी चर्चा आप कर रहे हैं, वो आए या जाए उससे क्या फर्क पड़ेगा झारखंड के अंदर? देखिए, एक बात मैं बता रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ, आया राम गया राम के बिल्कुल खिलाफ हूँ, और चाहे वो मेरी पार्टी में लोग आएँ या मेरी पार्टी से जाएँ, दूसरे पार्टी में रहें, दूसरे पार्टी में जाएँ, मैं व्यक्तिगत रूप से, मैं व्यक्तिगत रूप से बार बार कह रहा हूँ, मैं इसके खिलाफ रहता हूँ। इसका मतलब ये है कि आप कोई ना कोई फ़ायदा लेने के लिए जाते हैं। आप जहाँ हैं, आपका सिद्धांत जहाँ से मिलता है, आपको जो पार्टी अच्छी लगती है, आप उसके विचारधारा अच्छी लगती है, उसके कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, वहाँ रहना चाहिए। इसका मतलब कल वहाँ मौका नहीं मिला फिर आप वहाँ से रास्ता नाप लेंगे,
तो ये आया राम गया राम, मुझे याद है हरियाणा में ये प्रचलित हुआ था, आया राम गया राम, कि एक एक दिन में कई बार लोगों ने दल बदल किए थे, वहीं से ये शुरुआत हुई। तो मैं कह रहा हूँ मैं व्यक्तिगत रूप से आया राम गया राम के पक्ष में नहीं हूँ, और ये समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। ऐसे लोगों को हतोत्साहित करना चाहिए, न कि प्रोत्साहित करना चाहिए। कोऑर्डिनेशन की कमी नहीं है, कुछ कमी नहीं है, ये सब भैया देखिए सीधी सी बात है, कोई पार्टी में आए जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। झारखंड के अंदर बस एक ही पार्टी है, वो है भारतीय जनता पार्टी, जो यहाँ के जनता के भविष्य को सुधारने का काम करे और भविष्य में भी करेगी, जनता इस बात को जानती है। अभी अभी हमने अभय सिंह से बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था ये राजद में शामिल हो गए, लेकिन जैसा खुद इन्होंने क्लियर किया अभी भी ये कांग्रेस में हैं और उम्मीद है कि ये अभी आगे कांग्रेस में ही रहेंगे। अगर ये राजद में शामिल होते हैं तो ये खुली किताब है, आपको सबसे पहले पता चलेगा कि ये राजद में शामिल हो चुके हैं, लेकिन इसके लिए आपको बने रहना होगा सिटी पुलिस के साथ। कि आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सोल्यूशन पा सकते हैं साउथ केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर है 9472981111, 9472982222। साउथ केयर ऐप, सोल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।